इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। लगातार रसोई गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेसी का अनोखा प्रदर्शन। जी हां, हम आपको बता दें कि प्रयागराज में देश में पेट्रोल और डीजल और गैस की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि यह प्रदर्शन कुछ अनोखे तरीके से रहा। फरवरी महीने में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में तीसरी बार बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने अनोखे तौर पर विरोध जताया। नए तिरंगे के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने घरेलू गैस सिलेंडर पर नींबू मिर्च की माला डालकर अपना विरोध दर्ज कराया। रविवार को पुरानी शहर के दुष्यंत बाग इलाके में जुटे कांग्रेसियों ने हाथों में महंगाई के खिलाफ उनके पोस्टर्स और बैनर के साथ सड़क पर उतरे थे। प्रदर्शनकारियों ने अपने साथ गैस सिलेंडर लेकर हाथ में नींबू मिर्च की माला डालकर कांग्रेसियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध कर रहे पार्टी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम साबित हुई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता हसीम अहमद का कहना है कि रसोई गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी से आम आदमी की कमर टूट गई है। कांग्रेस राज्य कार्य समिति के सदस्य मुकुंद तिवारी ने बताया कि सरकार बढ़ी दरों को वापस लेने में असमर्थ है, इसलिए नींबू मिर्च की माला डालकर बुरी नज़र से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। बड़े हुए रसोई गैस और पेट्रोल के दाम ने आम आदमी की कमर तोड़ दिया। सरकार और प्रशासन इस पर अंकुश लगा पाने में असमर्थ साबित हुई है, तो इसलिए हम लोगों ने अब नींबू मिर्च का सहारा लेकर के रसोई गैस और पेट्रोल पर नींबू मिर्च को डाल करके सरकार को सचेत करने का प्रयास किया कि टोने और टोटके से अब बचने के लिए, क्योंकि सरकार बचा पाने में, इस दाम जो निरंतर बढ़ रहा है इसको बचा पाने में सरकार असमर्थ है, इसलिए टोने और टोटके से बचने के लिए हम लोगों ने नींबू मिर्च की माला डाल करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और केंद्र की मोदी सरकार को ये सचेत किया कि निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार के ताबूत में, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी जिस तरीके से जनता के ऊपर निरंतर महंगाई की मार मारी जा रही है।